हेलो गाइज, वेलकम टू जी वाई एस। माई नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम 21 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, द मिसिंग नोट्स। बात हो रही है किस तरीके से जो है कोविड-19 बढ़ता जा रहा है, और पीएम मोदी ने जो अपने स्पीच में, अपने एड्रेस में बातें कहीं कि क्या क्या हमको करना चाहिए देशवासियों को। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इन हिज एड्रेस टू द नेशन ऑन थर्सडे ऑन द कोरोना वायरस पेंडेमिक राइटली फोकस्ड ऑन व्हाट पीपल शुड डू इन व्हाट इज फास्ट रनिंग टर्निंग इन टू अ क्राइसिस सिचुएशन। पीएम मोदी ने जो है बताया, राइटली फोकस किया कि लोगों को क्या करना चाहिए इस स्थिति में, जहाँ पर ये स्थिति जो है क्राइसिस सिचुएशन में तब्दील होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो है लोगों को रीअश्योर करने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए, आश्वासन देने के लिए जो है बहुत कम बोला गया। गवर्नमेंट क्या कर रही है या किस तरीके से प्लानिंग कर रही है डेवलपिंग जो क्राइसिस है, ये जो क्राइसिस जो बन रहा है इसको मिटिगेट करने के लिए। बैटलिंग मेलेडीज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑल द टाइम। बैटलिंग यानी लड़ना, मेलेडीज यानी इस तरह की जो आपत्तियां, मुश्किलें जो आती हैं। बैटलिंग मेलेडीज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑल द टाइम, अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज डेवलप्ड अ डेट्रीमेंटल फेटलिज्म। फेटलिज्म का मतलब होता है कि भाग्य पे छोड़ देना, कि जो है वो पहले से निर्धारित है, ये कोई जो है मतलब हमारे हाथ के बाहर है। तो कई बार क्या होता है, ऐसा देखा गया कि इस तरीके के मेलेडीज जब आते हैं तो उनसे बैटल करते समय, उनसे लड़ते समय इस तरह के फेटलिज्म निकल के आता है जो डेट्रीमेंटल यानी नुकसानदायक होता है, कि तुम भाग्य पे छोड़ रहे हो। जिसके बारे में जो है मोदी जी ने भी बोला, यहाँ पे देखो हमारे जो सोशल रिस्पॉन्स है उनमें ये चीज़ साफ नज़र आ रही है किस तरीके से जो हम काम कर रहे हैं। अभी भी हम इसको बहुत जो है हल्के में लेकर चल रहा है, इररिस्पॉन्सिबिलिटी हम दिखा रहे हैं। लोग अभी भी जो है कंटिन्यू गैदर हो रहे हैं, प्राइवेट देख लो, स्टेट देख लो, रिलीजियस इवेंट में देख लो, सब कुछ क्लियर हो गया कि बीमारी कैसे फैलती है। उसके बावजूद भी तो प्राइम मिनिस्टर का जो कॉल है कि संडे को लॉकडाउन किया जाए, ये देश को प्रिपेयर कर सकता है कुछ मेजर्स के लिए, जब सिचुएशन पे ऐसी अगर मान लो डिमांड आ जाए कि अब तो कड़े मेजर्स लेने पड़ेंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल भी किए मोदी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ, और ए साइंस ऑफ अर्जेंसी और इमरजेंसी का जो है यहाँ पे आदान प्रदान हुआ है। टाइम के साथ ये एड्रेस आया, लेकिन इसमें कुछ खास अचीव नहीं किया गया। द स्टेट्स आर एट फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट द वायरस। स्टेट जो हैं वायरस से लड़ने में सबसे आगे हैं, और उनकी कैपेसिटी है वो धीरे धीरे फ्रस्टेंटली अनइवन है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर स्टेट जो है उतना ही काबिल है जितना दूसरा स्टेट है इससे लड़ने के लिए, अनइवन है ना कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे एक पूरा रिसोर्सेज लगाना और कंप्लीट स्पेक्ट्रम डिफेंस लॉन्च करना, ये नीड ऑफ द हावर है। ऐसे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट्स ले रही हैं, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे भी ले रही हैं। तो हमको जो है, जो लोगों को आशा थी कि पीएम मोदी से कुछ ऐसे शब्द सुनाई देंगे जिनसे तुम्हें आश्वासन मिलेगा, उनके लिए थोड़ा सा स्पीच डिसअपॉइंटिंग रहा। लेकिन यहाँ टैड का मतलब होता है लिटिल, लेकिन यहाँ पे जो भी बातें कही गई हैं सच ही कही गई थी कि इसमें जो है कोई वैक्सीन बनी नहीं, अगर हम सेल्फ आइसोलेशन कर लें। मैं अभी भी देख रहा हूँ मेरे आसपास के लोग जो है यहाँ पे अभी भी जो है घूम रहे हैं, अभी भी जो है, अब देखो एसेंशियल काम हो तो ही बाहर जाएं। जनता कर्फ्यू संडे को, इसका मतलब ये नहीं है कि संडे को ही करना है, समझदारी लगाएं और सैटरडे को भी जो है थोड़ा सा अंदर रहें। जरूरी काम हो तो ही बाहर जाएं, और टच तो ना करें किसी को, दूर से ही जो है आप नमस्ते नमस्ते कर दें। तो मोस्ट इफेक्टिव वीपन इन फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, एविडेंस सो फार सजेस्ट, सबूत जो दिखाता है कि सबसे खतरनाक जो हथियार है इस जंग से लड़ने के लिए वो है सोशल डिस्टेंसिंग। खुद को दूर रखिए सोसाइटी से, इससे लोगों को जो है अपनी जिंदगियों को थोड़े समय के लिए डिसरप्ट करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया लोगों को कि आप घरों में रहिए, लेकिन इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी जो निकल के आएगी उस पर कुछ यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया। हालांकि बाद में पता चला कि प्राइम मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा चेयर की जाएगी एक टास्क फोर्स, उस टास्क फोर्स का एक काम होगा कि जो इकोनॉमिक पेन निकल के आया इस बीमारी की वजह से उसको जो है यहाँ पे संभाला जाए। तो इट इज़ वन थिंग टू इंस्टिल अ कलेक्टिव पर्पज अमंग द पीपल टू मीट अ कॉमन चैलेंज, एक अलग चीज़ है कि आप लोगों में जो एक पर्पज भरोसा दिला दो, पर्पज दिला दो कि आप लोगों को मिलकर लड़ना है कॉमन चैलेंज, ना अमीर ना गरीब, ना ऊपर ना नीचा। ये अलग चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और वो कर रही हैं। तो एक तो हम सब मिलके अमीर गरीब जो है जात पात छोड़ के लड़ें, दूसरा गवर्नमेंट को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए वो अलग चीज़ है। तो गवर्नमेंट, मोदी का जो एड्रेस था वो काफ़ी शुरू में तो आपको फोर्सफुल नज़र आया होगा किस तरीके से गवर्नमेंट जो है
यहाँ पे चिंतित है इसको लेकर, लेकिन उन्होंने प्लान वगैरह जो है डिस्कस नहीं किया। और उन्होंने जो है कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो है शाम को घरों में 5 मिनट के लिए संडे को जो है क्लैप करें उन लोगों के लिए जो लड़ रहे हैं। तो दुनिया में अगर हम देखा जाए तो पूरी जो ह्यूमैनिटी है ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है, और सारे लीडर्स ने जो है अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस रख के इसे लड़ने की कोशिश की। अपोजिशन पार्टीज़ ने भी ज्वाइन की है लड़ाई, तो भारत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत के साथ अगर ऐसा हो, देखो अपोजिशन को हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना चाहिए, और आज भी निभाना चाहिए। गवर्नमेंट को जो एक मैसेज, गवर्नमेंट को भी बाहर एक मैसेज डालना चाहिए कि हाँ सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। पढ़ेंगे ये, इससे पहले जो है ये पढ़ लेते हैं। मैन, अच्छा ए मैन इज़ अ पार्ट ऑफ द मेन, ये बेसिकली बात की जा रही है कि किस तरीके से जो है ऐसे टाइम पे जात पात छोड़ के, अमीर गरीब छोड़ के लोगों को साथ में होना चाहिए। तो हमको जो है नेचर से ना खिलवाड़ करना चाहिए, क्योंकि नेचर जो है वह रिलीजन नहीं देखती कि तुम किस धर्म के हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, या फिर तुम चीन के हो, तुम भारत के हो, तुम अमेरिका के हो, तुम रूस के हो, वो नहीं देखती। तो कोशिश ये कीजिए साथ में रहिए, इक्वालिटी बनाए रखिए, और नेचर से जो है नेचर का सहयोग कीजिए ताकि वो जो अपने को वापस रिवाइव कर सकें। ब्लंटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक, पढ़ने से पहले मैं आपको एक आर्टिकल बता दूं, क्राइम एंड पनिशमेंट। बेसिकली ये कल जो है आपने देखा होगा कि जो आरोपी थे, जो अपराधी थे चार, जिन्होंने गैंगरेप किया था, उनको जो है फांसी की सजा मिली थी, और एक 23 साल की महिला को जो है इन्होंने मारा था। तो उनकी माँ जो थी, महिला की जो माँ है, वो कल भावुक हो गई। उन्होंने जो है कहा वुमेन विल नाउ फील से, वुमेन जो है अब सुरक्षित महसूस करेंगी। ये घटना 2012 की है, जब चलती बस में जो है ये सब घटना हुई, जब बोलते हुए मुझे काफ़ी शर्म आती है। 7 साल के बाद जो है फांसी उनको लगी, और इन्होंने हर मैकेनिज्म अपना लिया, दोषियों ने हर तरीके का, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक ये चले गए, जहाँ पे केवल कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट होता है, ये लोग चले गए वहाँ पे अपील लगाने। तो उनकी माँ ने कहा कि फैमिलीज़ जो हैं वो अपने बच्चों को ये सिखाएंगी अब कि देखो ऐसे अगर करोगे काम तो उसकी पनिशमेंट बहुत बुरी होगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत वुमेन की सेफ्टी का गारंटी दे रहा है या देने के पास पहुंच रहा है बिल्कुल। 2012 में जब ये घटना हुई तो एक जस्टिस जयेश वर्मा कमेटी आई, उन्होंने जो है कानून वगैरह देखे और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में कुछ चेंजेस लाने की कोशिशें की, और कुछ रिकमेंडेशंस को सरकार ने एक्सेप्ट भी किया, किसी को नहीं किया। और जो नहीं किया उनमें मैरिटल रेप और पुलिस रिफॉर्म भी था। मैरिटल रेप आज जो है एक बहुत बड़ा इशू बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरीके से घर में महिलाओं पर अत्याचार होता है, उनसे बिना पूछे जो है उनके साथ हरसमेंट, मतलब जो उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। और आप चीज़ें समझ सकते हैं कि मैरिटल रेप का मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं वो बेसिकली होने चाहिए, और मैरिटल रेप के संबंध में भी जो है कानून कड़े होने चाहिए, लेकिन इन पे नहीं हुए, ना सरकार ने इनको एक्सेप्ट किया। जो किए वो भी काफ़ी काबिल तारीफ थे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, जो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी जो है, अगर आप देखो तो वर्मा रिपोर्ट ने कहा था कि डेथ पेनल्टी जो है एक तरीके से सेंटेंसिंग, सजा की जो ये दुनिया, सजा की जो ये फील्ड है, ये जो एक सजा का तरीका है, गलत है। क्योंकि जब कोई दोषी जब किसी महिला के साथ ऐसा अत्याचार करता है, तो जब उसको पता है कि उसको फांसी की सजा मिल जाएगी, तो वो क्या करेगा, सबूत बिठाने की कोशिश करेगा। इस चक्कर में वो उसको मार भी सकता है। तो महिला का जो है सबूत यहाँ पे ना है, इसके लिए उसके साथ जो है उसको मार सकता है, उसको जो है फिर उसकी बॉडी को भी कहीं और दफना सकता है, या सबूत ना मिले कुछ ऐसा कर सकता है। तो अगर यहाँ पे जितनी कड़ी सजा होगी उतने ज़्यादा ही मर्डर के चांसेस हो जाएंगे। तो मेरे कहने का और राइटर के कहने का मतलब ये नहीं है कि डेथ पेनल्टी पूरी तरीके से गलत है, नहीं, गलत नहीं है, लेकिन डेथ सेंटेंस के साथ जो है यहाँ पे फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस भी हो। ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी आर्टिकल में, लेकिन ये चीज़ कही जा रही है। तो वर्मा कमेटी ने कहा था कि यहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजमेंट जो है वो हो कन्विक्ट फॉर लाइफ, मतलब आप जो है डेथ पेनल्टी मत दो, उम्र कैद दे दो। हालांकि जब से जो है ये केस निकल के आया, जब से ये लोग जो है आंदोलन भी करने बैठे थे 2012 में, इतना सब कुछ हुआ, पूरा देश जग रहा था, उसके बावजूद भी जो है केसेस अभी भी बढ़ते जा रहे हैं महिला के खिलाफ। हर साल केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2016 में 3.38 लाख थे, 2017 में 3.59 लाख हुए, 2020 में जो है ये फिर 3.78 लाख हो गए। तो साफ नज़र आ रहा है किस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और टोटल नंबर ऑफ रेप केसेस की मैं बात करूँ तो 33,356 थे।
अच्छा, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन मैंने आपको केस बताए, रेप वाले 33,356 थे, जिसमें मध्य प्रदेश ने हाईएस्ट रिकॉर्ड किया था 2018 में। और अगर आप देखेंगे तो पर 1 लाख वुमेन के साथ, मतलब आप देखो अगर मैं बात करूं पर लाख वुमेन पॉपुलेशन के साथ कितना जो अत्याचार हो रहा है, तो 58 महिलाओं के साथ 1 लाख में से अत्याचार होता है। 33% केसेस तो 2018 की बात है कि पुलिस में इन्वेस्टिगेशन में पेंडिंग थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया कर रहा है अपनी बच्चियों को, बेटियों को, महिलाओं को बचाने के लिए। कानून आते जाएंगे, कानून बदलते जाएंगे, लेकिन ये दिमाग, ये जो गंदगी दिमाग में भरी हुई है लोगों की, कैसे उतरेगी। एक सोसाइटी जो शुरू से ही एक मेल चाइल्ड को प्रेफर करती है, बेटों को प्रेफर करती है, बेटियों को प्रेफर नहीं करती, और अगर पैदा भी हो जाती हैं तो उनको एजुकेशन पे सोसाइटी में उनको जो है इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो जब तक इंडियन लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स और समाज ये जेंडर बेयस ख़त्म नहीं कर देगा, जब तक ऐसे गंदे माइंडसेट उखाड़ के नहीं फेंकोगे, जब तक चेंज नहीं लाओगे, तब तक ये जो, और जब तक ऐसी सोच बनाए रखोगे कि बस अभी ज़रूरत है, इस वजह से जो है क्वेश्चन ऑफ आवर है वुमेन को प्रोटेक्ट करना, तब तक ऐसे केसेस नहीं रुकेंगे। वुमेन को प्रोटेक्ट करने एक अलग बात है, और जेंडर बायस जो माइंडसेट जो लोगों के दिमाग में है उसको ख़त्म करना एक अलग बात है। दोस्तों, मैंने आपको कई बार ये भी कहा है कि घरों में जो है महिलाओं की इज्जत की जाए, तो स्वयं ही जो घरों के जो पुरुष होते हैं वो बाहर महिलाओं की अपने आप इज्जत करने लग जाते हैं। घरों में अगर अपने बेटों को इज्जत करना सिखाओगे तो वो बाहर अपने आप लड़कियों की इज्जत करना शुरू कर देंगे। तो कोशिश, और शुरू में ही जो है जेंडर बायस दिखा दिया जाता है घरों में। ब्लंटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, देखो COVID-19 चल रही है, टास्क फोर्स की बनाई गई पीएम मोदी के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अंडर चेयर में। तो यहाँ पे राइटर कुछ केस सजेशन दे रहे हैं कि टास्क फोर्स जो है इनके बारे में विचार कर सकती है। तो कैश ट्रांसफर जो है हो सकता है, जैसे कैब ड्राइवर हो गए, वेटर हो गए, मॉल के जो वर्कर्स हो गए, डोमेस्टिक हेल्प वाले जो वो हो गए, जो नौकर वगैरह जो घरों में काम करते हैं, रिटेलर्स, कैजुअल जॉब वर्कर्स जो हो गए, ये जिनके पास जॉब नहीं है, इनको जो है कैश ट्रांसफ़र दिया जाए। ये बैड आइडिया नहीं है कि आप कैश ट्रांसफ़र अगर दो इनको कुछ समय के लिए, फिक्स्ड अमाउंट का जो वल्नरेबल सेक्शन है, और 33 करोड़ अकाउंट्स प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर है, इन अकाउंट्स में डायरेक्ट पैसा दे दिया जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमारा कई राज्यों में फैला हुआ है, तो फ्री का अनाज भी जो है दे सकते हैं, नहीं तो कैश हैंडआउट अब दे सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारा है, जिन पर राशन जो बिकता है ना, उस पर कैश ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो ये तो बैंक में कर दो, किसी का बैंक में नहीं हो तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए कर दो। हैं राशन कार्ड, हमारे 23 करोड़ राशन कार्ड इशू हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल के अनुसार, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, 1,000 रुपये का आप ट्रांसफ़र कर दो, खर्चा आएगा सेंटर को 23,500 करोड़ का, लेकिन करना पड़ेगा, जरूरी है। जैसे हांगकॉन्ग को देखो ना, हांगकॉन्ग ने हर परमानेंट रेसिडेंट को $10,000 हांगकॉन्ग डॉलर देने का फैसला किया है कैश हैंडआउट। यूनाइटेड स्टेट्स ने भी जो है कैश हैंडआउट जो है निकाला है, टोटल इसकी कॉस्ट $250 बिलियन आ रही है। लोन गारंटी बहुत जरूरी चीज़ है भाई, आप ये बताओ, बिजनेस अभी बंद है 1 महीने 2 महीने 15 दिन 20 दिन, वर्कर्स आएंगे नहीं, काम होएगा नहीं, कस्टमर आ नहीं रहे, पैसा आएगा नहीं। लेकिन जो लोन बिजनेस वगैरह ले रखे हैं, क्या बैंक उनके इंटरेस्ट माफ़ कर देंगे? ठीक है यार, तुम 1 महीने तक COVID-19 के चक्कर में इंटरेस्ट मत देना, या फिर तुम जो है मुझे जो है अभी मत दो लेकिन बाद में जो देना ही पड़ेगा, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, बैंक वाले जो हैं वो हमेशा लेके ही रहेंगे लोन, जिनको लेना है, जिनको कुछ अपना फिक्स्ड खर्चा जो है वो खर्चा रह गई, इसके लिए जो है लोन गारंटी की स्कीम सरकार ला सकती है, जो हम माफ़ करवा सकती है, खास करके गवर्नमेंट बैंक से जो लोन ले रखे हैं वो 1-2 महीने तक जो है थोड़ी बहुत छूट इसमें दे सकती है सरकार। जैसे कि फ्रांस और स्पेन ने भी $300 बिलियन का, स्पेन ने €100 बिलियन जो है अनाउंस किया, वैसे कर सकते हैं हम। हॉलीडे ये है कि एक EMI भी जो है हॉलीडे होना चाहिए, कि जो इंडिविजुअल्स हैं और जो बिजनेस जो कर रहे हैं, जिनको जॉब लॉस हुआ है, उनकी जो है यहाँ पे जिनकी सैलरी भी कट हुई है, उनको EMI हॉलीडे, यानी जो EMI दे रहे हैं बैंकों को, जो अपनी बाइक पे, जो अपनी असेट्स है, जो उन्होंने कोई होम लोन लिया है, फिर कुछ भी जो EMI वो दे रहे हैं, उन पे कुछ छूट अगर मिल जाए कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा मददगार ये हो जाएगा। ठीक है, और सरकार को भी जो है फटाफट अपने जो पैसे रिफंड करने चाहिए, टैक्स रिलीफ देना चाहिए, जो पैसा जिसको देना है उसको देना चाहिए, बजटेड ट्रांसफ़र करना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है होनी जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे भी सवाल उठा, लेकिन मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा तो मेरा जवाब क्लियर हो गया कि यहाँ के लिए रिसोर्सेज कैसे आएंगे भैया, इतना पैसा आएगा कहाँ से? इतना पैसा सरकार के पास होता
तो पहले ना कर देती। तो रिसोर्सेज जो हैं सेंटर के और स्टेट्स के अगर मिला दें तो इस तरीके का जो है नेशनल रिस्पॉन्स डेवलप किया जा सकता है। केरला ने हाल ही में 20,000 करोड़ का पैकेज जो अनाउंस किया है, जो सारे स्टेट्स हैं वो भी इस तरीके का जो है सूट फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि सेंटर जो है स्टेट रिसोर्सेज के साथ मिलकर, खुद के रिसोर्सेज के साथ मिलकर जो है काम कर सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को इंगेज कर सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए ऐसे क्राइसिस में। येस बैंक का देख लो ना, येस बैंक में जो है SBI पैसा लगा रहा है मान लिया, लेकिन उसके पीछे पीछे प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं। भाई जिस तरीके से एक्सपर्टाइज और शार्प फाइनेंशियल माइंड्स प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है ना, गवर्नमेंट में भी नहीं है, तो उनके आइडियाज़, उनकी एक्सपर्टाइज, उनकी एडवाइस को लेना चाहिए, उनको जो है यहाँ पे इंडल्ज करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ताकि जो है यहाँ पे हम डिसीजन ले सकें। तो पहला तो ये करना चाहिए कि एक तो जिस सेंटर के और स्टेट्स को मिलकर काम करना चाहिए, दूसरा प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करना चाहिए। और वायरस जिस तरीके से हमारे बजट को खाता जा रहा है, भाई डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट हमने रखा था 2.10 लाख करोड़ का कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एयर इंडिया को बेच के कुछ पैसा हम इकट्ठा कर लेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट हम कर लेंगे, लेकिन वो अब नहीं होगा क्योंकि बिकने के चांसेस काफ़ी कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर अभी इन्वेस्ट करेगा नहीं। तो अभी बजट के पास पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट करने का मकसद यही होता है कि आप जो है पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो चीज़ आपके यहाँ पे कितना रेवेन्यू नहीं आया लेकिन खर्चा इतना ज़्यादा है बजट का सरकार का कि इस खर्चा को पूरा करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन अब डिसइन्वेस्टमेंट अगर पूरा होएगा ही नहीं तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी, तो एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट हमको चाहिए होगा। तो बॉन्ड जो है यहाँ पे काम आ सकता है कि बॉन्ड जो है जैसे USA UK या फिर हमारे रेसिडेंट्स को बॉन्ड इशू कर दो और कुछ पैसा जो है ले लिया जाएगा और बाद में जो है बॉन्ड के इंटरेस्ट जो है चुका दिया जाएगा और बॉन्ड ले लिया जाएगा। मतलब वही बात है लोन इंटरेस्ट वाली कि सरकार जो है पब्लिक से पैसा लेगी और बाद में इंटरेस्ट चुका देगी, तो जिनके पास पैसा है वो दे सकते हैं। तो वेल स्ट्रक्चर्ड एफिशिएंट बॉन्ड जो है वो अगर हो तो यहाँ पर डोमेस्टिक सेविंग जो है लोगों के पास रखी हुई है वो सेविंग जो है सरकार के पास आ सकती है। भाई आपके पास अगर खूब सारे पैसे हैं, मान लो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं जो कहाँ खर्च करें, अभी मंदी के टाइम पे शेयर मार्केट में भी खर्च नहीं कर सकते, बिजनेस में भी नहीं लगा सकते, तो गवर्नमेंट बॉन्ड ला सकती है कि बॉन्ड लो 5 लाख का। बॉन्ड मतलब सिक्योरिटी होगी कि बॉन्ड लो 5 लाख तुम दो मुझे, जब चुकाने का वक्त आएगा तो मुझे बॉन्ड वापस दे देना। बॉन्ड एक तरीके से प्रूफ होगा कि हाँ हमने तुमसे पैसा लिया, और जब बॉन्ड जब सरकार लेने आएगी तो इंटरेस्ट भी साथ में लाएगी और आपको इंटरेस्ट चुका देगी आपके 5 लाख रुपए पे, आप जो भी आपने पैसा दिया। इंडियन डायस्पोरा जो है हमारे देश के बाहर UK USA में जिनके पास इतना पैसा है उनको भी जो है टैप किया जा सकता है। जैसे कि पोस्ट पोखरान जो हमारा हुआ था, पोस्ट पोखरान जो हमने न्यूक्लियर जो हमने टेस्ट किया था, तो उसके जो है उसके बाद किस तरीके से रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स आए थे क्योंकि सेक्शन अमेरिका ने लगाने की कोशिश की थी भारत पे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके जरिए बॉन्ड्स के जरिए $4 बिलियन को जो है इकट्ठा किया था। इस तरीके से ही हम कर सकते हैं। उस टाइम भी हमारा क्राइसिस वैसा था, इस टाइम भी क्राइसिस थोड़ा ज़्यादा ही है, तो इस तरीके के काम जो हम कर सकते हैं। वैसे जीती हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।